अस्सलाम वालेकुम, मैं रॉयल गिल, आप देख रहे हैं एच नाउ टीवी। सबसे पहले अगर आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो एच नाउ टीवी को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। आज हम मौजूद हैं बंस रोड पर, और बंस रोड पर आज मैं आपको वो सारी चीजें दिखाने की कोशिश करूंगा जो यहाँ की बहुत ही यूनिक चीजें हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बंस रोड आते हैं, अफ्तार करने आते हैं, खाना खाने आते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि आज हम यहाँ पे घूमेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे हमें डिफरेंट क्या चीजें मिलती हैं। तो चलते हैं और बंस रोड पे देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंट चीजें हैं। आ जाए, अस्सलाम वालेकुम, मैं और अहिल गिल, आप देख रहे हैं एच नाउ टीवी, और आज हम मौजूद हैं कराची की सबसे मशहूर रोड पर जिसे फूड स्ट्रीट कहते हैं, बंस रोड फूड स्ट्रीट। और ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान बनने से पहले की फूड स्ट्रीट है। जैसे ही पाकिस्तान बना तो यहाँ पे आप बिल्डिंग्स देख सकते हैं, बहुत ही पुरानी है और बहुत ही कंजस्टेड इलाका ये। कंजस्टेड इसलिए क्योंकि पहले जब ये बना था तो उस वक्त यहाँ पे गलियाँ छोटी थी, और वक्त के साथ यहाँ कारोबार बढ़ता गया, यहाँ पे दुकानें बढ़ती गई, खाने का कारोबार इतना ज़्यादा बढ़ गया कि यहाँ पर अब आप जब आएंगे तो आपको शायद गाड़ी पार्किंग की भी जगह नहीं मिले। वैसे ये रोड बंद कर दिया जाता है, गाड़ियाँ बाहर पार्क की जाती हैं और पैदल चल के आपको आना पड़ता है, लेकिन आज हम रमज़ान में यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे रमज़ान की जो रवायती चीज़ें हैं जो हमें सिर्फ रमज़ान में ज़्यादातर खाने को मिलती हैं वो यहाँ पर कौन कौन सी है। जैसे समोसे हो गए, पकौड़े हो गए, जलेबी हो गई। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे फ्रूट चाट नज़र आ रही है। फ्रूट चाट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये फ्रूट चाट जो है वो एक ऐसी चीज है। अच्छा, ये है कितने की, ये तो बता दो। 80 रुपए। 80 रुपए की आपको मिलेगी यहाँ पे। ये वाला पैकेट, ये वाला पैकेट, ये वाला, ये 160 का है। ये 160 का है, 160 का है, और ऊपर वाला 80 का है। हाँ। तुमने कौन सा लिया है? हाँ? आपने कौन सा लिया? कोई नहीं लिया, ये ऐसे खड़ा हुआ है, ये ऐसे खड़ा हुआ भाई। तो एक क्रीम चाट है, जैसे यहाँ पे क्रीम चाट, ये दूसरी वाली नहीं है जो दूसरी होती है, सिर्फ क्रीम वाली। अच्छा, यहाँ पर है, ये दिखा सकते हैं, दिखा दें भाई चाट, दिखा दें आपकी खूबसूरत सी, ये दिखा सकते हैं। उसे तो खत्म ही हो गई आपके पास, ये क्या हिसाब किताब है सर? 80 रुपए पाव है, 320 रुपए किलो है, पाव के हिसाब से मिलती है जी सर। अच्छा, तो ये तो क्रीम वाली है जिसमें किशमिश भी नजर आ रही है, और ये जो दूसरी होती है सादी, सर खत्म हो गई हमारे पास अभी सर, वो भी यही प्राइस है, वो भी यही प्राइस है, क्रीम वाली लो या दूसरी लो जी। तो ये आप सिर्फ रमजानों में लगाते हो जी? बिक जाती है सही? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये कह रहे हैं जबरदस्त बिक जाती है। अच्छा, ये मैं दिखाना चाहता हूँ, इसको देख के ही ना बंदे के वैसे ही जो है रोजा लगने शुरू हो जाएगा, इतनी खूबसूरत, अगर ये दिखा सके हम, जबरदस्त होती है। और इसके अंदर अच्छा क्या क्या डालते हैं, इसके अंदर डालते क्या क्या? केला, सेब, खरबूजा डलता है, पपैया डलता है, क्रीम डलती है, चीनी डलती है सर, ठीक है, किशमिश डलते हैं, सवैया डलती है हमारे पास। ये तो चीकू भी नजर आ रहा है जी, चीकू भी है। सारे फ्रूट जो मौसम के फल जी जी जी, मौसम के जितने भी फल हैं, हैं? सेब भी डाला हुआ है, सेब भी डाला हुआ है इन्होंने, तो बड़ी खूबसूरत लग रही है। और यहाँ पर अगर आपको एक के पास खत्म हो गई तो ऐसा नहीं है कि फ्रूट चाट नहीं मिलेगी, यहाँ पे लाइन से फ्रूट चाट वाले लगे हुए हैं, अगर हम दिखा सकें, काफी सारे फ्रूट चाट वाले लगे हुए, तो आपको मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट टेस्ट जो है वो सबका सेम होगा। इस वक्त रोजा है, अभी इफ्तार नहीं हुई तो मैं आपको टेस्ट करके तो नहीं बता सकता, लेकिन बहुत ही जबरदस्त और खूबसूरत सी जो है वो फ्रूट चाट नजर आ रही है। आगे चलते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही पुराना मुझे नजर आ रहा है एक समोसे वाला, समोसे जलेबी वाला, इनसे बात करते हैं। अच्छा, ये वो रवायती आइटम है जो आपको हर रमजान में और हर जगह पूरे पाकिस्तान में कहीं भी देखने को मिलेंगे और आप खाएंगे भी, जाहिर सी बात है। अच्छा, इसमें काफ़ी सारी आइटम्स हैं, जैसे कि मिर्चें हैं, ये बिल्कुल बेसन में तली हुई हैं खूबसूरत, साथ में पकौड़े हैं, साथ में आलू हैं बेसन वाले तले हुए, उसके साथ कीमे के समोसे और आलू के समोसे, रोल और चिकन रोल, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल सकती हैं। इसी के साथ अगर हम पीछे देखें तो पीछे एक ज़बरदस्त जलेबी बन रही है गर्मा गर्म, और अगर आप जलेबी को देखें, वाह हा हा, जबरदस्त भाईजान। सर कब से लगा रहे हैं जलेबी आप? ये भाईजान 1900 ये तकरीबन जो है ना सन 62 से है, सन 62 से। हाँ, 62 ये आपका ठिया? हाँ, ये ठिया जो है ना 62 से है, और जो है ना अभी तक लाल जलेबी के नाम से ही मशहूर है, लाल जलेबी के नाम से, लाल जलेबी के नाम से। तो जलेबी तो वैसे लाल ही होती है भाई,
तो भाई हमने जो है ना हमारे जो है ना भाई का नाम भी तो लाल है ना। अच्छा। और जलेबी भी लाल है, अमरती भी लाल होती है, गुलाब जामुन हो गए हमारे मशहूर गुलाब जामुन होते हैं, अनरसे की गोलियाँ हैं, मीठी टिकिया हो गई और भी काफी आइटम। अच्छा गुलाब जामुन तो इनके मैंने भी खाए हैं, जब भी बंस रोड में आया हूँ यहाँ पे गर्मा गर्म गुलाब जामुन मिलते हैं और बहुत ही कोई जबरदस्त जलेबी है। 1962 से ये इनका यहाँ पे ठिया लगा हुआ है और ये रमजानों में नहीं सिर्फ लगाते हैं यहाँ पे बल्कि ये आम दिनों में भी मिलती है ना। बिल्कुल, ये दिखा एक जलेबी अगर हम दिखा सकें, बड़ी खूबसूरत जलेबी। अच्छा ये जो साथ में इसको क्या कहते हैं, अमरती? ये अमरती है, ये दाल माश की बनती है। दाल माश की बनती है। तो ये अभी रमजानों में ज्यादा ये अमरती बिकती है या वो बिकती है? दोनों चीजें हैं, जलेबी भी अमरती भी हम जो है ना रोजाना बनाते हैं। वैसे आम दिनों में भी अमरती रोजाना बनती है, जलेबी भी रमजान में तो ज्यादा बनती है ना, क्वांटिटी में ज्यादा होती है। कौन सी दोनों? ये ज्यादा चलती है, वो कम चलती है, वो महंगी है ना? वो महंगी है इसलिए कम चलती है। अच्छा इसी के साथ ये क्या चीज है ये बताएं जरा। मीठी टिकिया है, कुंडों के महीने में ज्यादा चलती है, रजब के महीने में कुंडे जिसको बोलते हैं, ये वो चीज है। अभी रमजानों में बिकती है, लोग खाते हैं? बिल्कुल बिकती है, खाते हैं लोग शौक से। जबरदस्त। अच्छा वो क्या चीज है वो जो उस तरफ पड़ी हुई है? ये चावल के आटे की बनती है, वो बारिश में बहुत ज्यादा चलती है, हमें होश ही नहीं होता बारिश जब हो जाती है। बारिश में ज्यादा चलती है ना, आम दिनों में भी चलती है, बारिश में बहुत ज्यादा चलती है। और ये जो फेनी है ये तो मेरा ख्याल आती सिर्फ रमजान में, तो रमजान की सौगात है ना, ये तो रमजान में ही आती है फेनी। ये खाते लोग इफ्तार में खाते? बिल्कुल इफ्तार में भी, सहरी के टाइम भी जो है ना हर टाइम खाते हैं। ये खाने की चीज है, कोई खराब चीज तो है नहीं कि बंदा हर टाइम खा सकता है इसको। अच्छा ये गुलाब जामुन जो है, ये गुलाब जामुन मैं मुझे बताएं, मैं इनसे बात करना चाहता हूँ एक मिनट। अच्छा यहाँ पर खड़े होने की भी जगह नहीं है और भाई साहब बहुत बिजी हैं जो इस वक्त, क्योंकि रोजा खुलने वाला है थोड़ी देर में। अच्छा भाई जी मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये 1962 से दुकान आप चला रहे हैं? मेरे वाली साहब ने शुरू की थी तो हम भी चला रहे हैं, वो भी है माशाल्लाह अभी तक तो वो भी चला रहे हैं साथ ही। अच्छा तो इतना रश डेली रहता है? अल्लाह का शुक्र हमेशा रहता है, रमजान खास तौर पर रहता है। जबरदस्त। लाल क्या था? लाल जलेबी कॉर्नर के नाम से शॉप है मेरी, लाल जलेबी कॉर्नर के नाम से शॉप है और ये आपको कोने पे मिल जाएगी। जैसे ही बंस रोड आप आएंगे तो एक खूबसूरत सी दुकान आपको नजर आएगी जिसपे सब चीजें अवेलेबल है। ज्यादातर लोग रमजान में ही खाते हैं। यहाँ समोसे में आपको दिखाना चाहता हूँ। अच्छा ये है कि ऐसा नहीं है कि अगर ये ठिया है तो यहाँ पे इतनी कोई आपको हाइजीनिक जो है वो चीजें हाइजीन का ख्याल भी उन्होंने रखा हुआ और बड़ी साफ सुथरे तरीके से यहाँ पे देखें समोसे बन रहे हैं और खूबसूरत लग रहे हैं। ये क्या क्या बेच रहे जी? पाकोला का शरबत है और तरबूज का शरबत है। पाकोला का शरबत कितने का है? ये 50 रुपए का थैली है। 50 रुपए का थैली, थैली में कितना होता है? भाई थैली में होता है तकरीबन दो गिलास। मतलब ये कमाई कम सबील ज्यादा है हमारा जी। आप ये सबील के लिए लगाए, ये कि भाई जो पैसे बच के आएंगे उसी का वापस यही माल खरीद के हम लोग जो है ना, मतलब ये प्रॉफिट के लिए नहीं, प्रॉफिट के लिए नहीं। मेरा पीछे दुकान है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे को वहीं से अल्लाह दे रहे। बस ये आपने बनाया कि जो लोग हैं वो यहाँ से ले लें। 50 रुपए में, 50 रुपए में आपको बताया आजकल के दौर में 50 रुपए में होता क्या है? 50 रुपए में कुछ भी नहीं होता है। बाहर के लिए कि 50 रुपए में ये हमारे पैसे कवर होते हैं, दोबारा वही सामान माल तो कॉस्ट टू कॉस्ट कर। हाँ वही कर। अच्छा ये यहाँ पे दूध पाकोला का शरबत और तरबूज का शरबत, ये बड़ा जबरदस्त यहाँ पे इन्होंने लगाया हुआ है और ये कह रहे हैं कि ये कॉस्ट टू कॉस्ट जो है ये यहाँ पे दे रहे हैं और प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहे, क्योंकि रमजान का महीना है तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो इसको ले और पिए और अपनी इफ्तार को एंजॉय करें। तो अगर आप आए तो यार ये बड़ी जबरदस्त लग रही है मुझे। ये पकोला में दूध मिला हुआ है पानी? जी दूध मिला हुआ है। दूध मिला हुआ है? असली दूध ये पीछे दुकान से आता है। अच्छा असली दूध मिला हुआ है। और जो इसका तरबूज का शरबत है वो कैसे है? रू अफजा है और तरबूज है। रू अफजा और तरबूज का शरबत भी है, तो ये भी आप ले। वो कितने का है? वो भी 50 रुपए की। 50 रुपए कुछ भी ले, दोनों गिलास का शरबत है, आप कौन सा भी जो सा भी लेना चाहो ले सकते हैं। अच्छा यहाँ से आप कोई भी लेना चाहें आपको 50 रुपए का ही ग्लास मिलेगा। और ये इसमें इन्होंने, हमारा कैमरामैन ना गिर जाए यहाँ पे जो है इन्होंने प्रॉफिट नहीं रखा हुआ इसमें, ये कॉस्ट टू कॉस्ट दे रहे हैं। तो बड़े जबरदस्त यार ये, एक यहाँ पर आए तो आप ये भी इंजॉय कर सकते हैं क्योंकि प्यास बहुत ज्यादा लगी होती है इफ्तार के टाइम पे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आज हमने बंस रोड पे आपको वो चीज़ें सारी दिखाने की कोशिश की जो रमजानों में ही आपको ज़्यादा देखने को मिलती है, जैसे समोसे पकौड़े हो गए और डिफरेंट किस्म के रोल हो गए, जलेबी हो गई, गुलाब जामुन हो गया, दही बड़े, ये सारी वो चीज़ें हैं, फ्रूट चाट,
जो कि आप ज्यादातर रमजान में ही बाहर से खरीदते हैं, आम दिनों में भी लोग खरीदते हैं लेकिन रमजानों में इन चीजों का रुझान ज्यादा होता है। तो अभी तक अगर आपने एच नाउ टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप बंस रोड आए तो इन चीजों को जरूर ट्राई करें क्योंकि इनका जो टेस्ट है वो बहुत ही जबरदस्त है। क्योंकि यहाँ पे 50-60 साल से बैठे हुए हैं जो शॉप्स हैं, जिन जो मैंने आपको दिखाई वो 50-60 साल पुरानी है, तो लोग जब यहाँ आते हैं तो उसके टेस्ट की वजह से आते हैं, तो इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही जबरदस्त है। हाँ, आपने एक चीज का ध्यान जरूर रखना है कि जब आप यहाँ पर आए तो गाड़ी जो है वो पार्किंग आपको बड़ी मुश्किल से मिलेगी, पार्किंग का एक से प्रॉब्लम है। उसके अलावा यहाँ पर आप बिल्कुल बैठ के आराम से इफ्तार को एंजॉय कर सकते हैं। इसी के साथ आज मुझे इजाजत दीजिए, मैं हूँ राहिल गिल, खुदा हाफिज़।